Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the balloon, the light rope and the monkey shown in figure are at rest in the air. If the monkey reaches the top of the rope, by what distance does the balloon descend? Mass of the balloon is capital M and mass of the monkey is small m, and the length of the rope ascended by monkey is capital L. Fine. So देखो इस तरह से डायग्राम दे रखा है. By the way, ये डायग्राम थोड़ा करेक्टेड होना चाहिए. Like जो डायमेंशन है आपके बलून के और मंकी के, दैट विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कैपिटल एल. जो बलून है और मंकी है उसके डायमेंशंस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं. सो हमें इस तरह से एज्यूम करना है कि डायमेंशन ऑफ बलून एंड डायमेंशन ऑफ मंकी विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कैपिटल एल. और यहाँ पे देखो आप ऐसा लग रहा है कि जो मंकी की लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन द कैपिटल एल, है ना. ये जो लेंथ दिख रही है ये ज़्यादा दिख रही है कैपिटल एल से. सो एक्चुअल सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस. ये आपका बलून है, ये आपका मंकी है, और इनिशियल सेपरेशन बिटवीन बलून एंड मंकी इज कैपिटल एल. नाउ इफ आई टेक माई सिस्टम एज बलून प्लस मंकी, देन इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे. मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करूँ तो एक तो वेट लगेगा, राइट. इस सिस्टम का वेट होगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. बट आपका सिस्टम रेस्ट में है, सो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो कि एम जी, जो इसके वेट को बैलेंस करेगा. और वो फोर्स कौन सा होगा, दैट विल बी फोर्स ऑफ बयोन्सी. एफ बी लग रहा होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो एफ बी जो कि बयोन्सी फोर्स है, दैट विल इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, इसके वेट को बैलेंस करेगा. और इस तरह से नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वैसे भी कोई फोर्स नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. फाइन. नाउ वॉट हैपन्स कि ये जो मंकी है ये ऊपर जाना चाहता है. सो किस तरह से जा सकता है ये, ओनली पॉसिबल वे इज यू नो ही हैज़ टू पुल द रोप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसने जो रोप पकड़ के रखा हुआ है उसको ये नीचे खींचेगा. लेट्स से ही इज पुलिंग द रोप बाय अ फोर्स कैपिटल एफ. सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द रोप ऑन द मंकी. सो ये जो मंकी है इस पर एक फोर्स लगेगा कैपिटल एफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय द रोप. बट ये जो कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स इंटरनल फोर्स होगा. अब इंटरनल फोर्स क्यों होगा, बिकॉज आपका जो मंकी है और जो रोप है दोनों ही आपके सिस्टम के पार्ट है. वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज काइंड ऑफ एन इंटरनल फोर्स. सो अभी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है. यहाँ पे देखो ये जो वेट था ये एक्सटर्नल फोर्स था. क्यों, क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटी ने लगाया है, अर्थ ने लगाया है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, है ना. ये बातें हमने काफ़ी बार कर ली है. ओके फाइन. सो आप ये देखो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी जीरो है. सो व्हाट हैपन्स, ये जो मंकी है अभी इस पर एक एडिशनल इंटरनल फोर्स आ गया कैपिटल एफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा. और जो रोप है और यू कैन से रोप से बलून कनेक्टेड है, सो रोप नीचे जाएगा तो बलून भी नीचे जाएगा. मंकी ऊपर जा रहा है, बलून नीचे आ रहा है, एंड फाइनली दोनों कहीं बीच में आके मिल जाएंगे, है ना. बट इन दिस प्रोसेस सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा. सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है. इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. मीन्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. और इनिशियली अगर वो रेस्ट में था तो हमेशा ही रेस्ट में रहेगा. मीन्स पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज. मंकी ऊपर जा रहा है, बलून नीचे आ रहा है, इस तरह से ये मूवमेंट होगा कि किसी भी इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का पोजिशन चेंज नहीं होगा. फाइन. सो किस तरह से करेंगे हम, हमें क्या निकालना है कि बलून कितना नीचे आया. सो आप देखो इस तरह का प्रॉब्लम हमने कई बार किया है. हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं. इस बार वाई एक्सेस में मोशन हो रहा है. सो लेट्स से ये जो मंकी है ये वाई इज इक्वल टू जीरो है, और जो बलून है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई इज इक्वल टू कैपिटल एल, क्योंकि ये जो लेंथ है ये आपको कैपिटल एल दे रखी है. फाइन. सो इनिशियल पोजिशन, और यू कैन से इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी कैपिटल एम इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस स्मॉल एम इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. सो ये कितना आ रहा है, ये आ गया, राइट. नाउ फाइनली क्या होगा, मंकी ऊपर जाएगा और बलून नीचे आएगा. सो दोनों कहीं यहाँ पे आके मिल जाएंगे. सो हमें क्या निकालना है कि जो आपका बलून है कितना नीचे आया. सो लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बलून इज एस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमें एस का वैल्यू निकालना है. सो अभी देखो फाइनल पोजिशन पे जब ये दोनों यू नो एक साथ आ गए, मीन्स एक ही पोजिशन पे आ गए, उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे. जो बलून है, लेट्स से बलून वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन फाइनल पोजिशन, ये आपका इनिशियल पोजिशन पे था, दैट विल बी बलून. बलून का मास कैपिटल एम,
इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो पूरी लेंथ वाई इज इक्वल टू ये एल है और ये एस नीचे आ गया, सो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा वाई इज इक्वल टू एल माइनस एस। ये वाई था और एस नीचे आ गए, सो वाई इज इक्वल टू एल माइनस एस कोऑर्डिनेट है ये। एल मीन्स कैपिटल एम का जो वाई कोऑर्डिनेट है एल माइनस एस प्लस मंकी, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही पोजिशन पर आ गए ना, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो ये कितना आ रहा है एल माइनस एस। अब L माइनस एस ही आएगा बिकॉज आप देखो जो आपका मंकी है वो भी यहीं पर है L माइनस एस पे, और जो बलून है वो भी L माइनस एस पे, मीन्स पूरा जो सिस्टम है उसका मास L माइनस एस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास L माइनस एस ही आएगा। सो अब दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजिशन चेंज नहीं होगा, मीन्स इसे आप L माइनस एस लिख दो और यहाँ से S निकाल लो। S क्या आएगा? S आएगा स्मॉल m कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट? फाइन, सिंपल है। और कोई मेथड है निकालने का? ऑफ कोर्स एक और मेथड है, देखो ये आपका बलून है और ये मंकी है, बलून नीचे जा रहा है और मंकी ऊपर जा रहा है और दोनों कहीं बीच में आके मिल जाएंगे। सो लेट्स से कि जो बलून है उसका डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एस वन और जो मंकी है उसका डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज एस टू और इनिशियल सेपरेशन बिटवीन मंकी एंड बलून इज कैपिटल एल। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखो आपको क्या क्या निकालना है, एस वन और एस टू दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, राइट? सो देखो फर्स्ट इक्वेशन विल बी एस वन प्लस एस टू दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एल, दिख रहा है राइट? जो आपका मंकी है एस वन ऊपर गया, बलून मंकी एस टू ऊपर गया और बलून एस वन नीचे आया और दोनों मिल गए और इनिशियल सेपरेशन कैपिटल एल था। सो एस वन प्लस एस टू दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एल। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है इन वाई डायरेक्शन वो जीरो होगा। सिस्टम ऑफ मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैसे लिखोगे? कैपिटल एम बलून है ना, ये जो बलून इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एस वन प्लस ये जो मंकी है इसका डिस्प्लेसमेंट एस टू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आपका जीरो होगा। अब डिस्प्लेसमेंट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं? जैसे सिस्टम में दो तीन पार्टिकल है, मल्टीपल पार्टिकल है, m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m3 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, समथिंग लाइक दिस, राइट? डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही मैंने लिखा है। और यहाँ पे माइनस s1 लिखा है क्योंकि जो आपका बलून है वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने माइनस s1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड यूज़ किया है, मुझे दिख रहा है कि s1 प्लस s2 दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल L, बट इस इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट विद साइन है ना, डिस्प्लेसमेंट साइन के साथ होता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ से आप देखो s1 कैपिटल M दैट विल बी इक्वल टू m इंटू s2, ये दो इक्वेशन आ गई, ये आपका सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। आपको क्या निकालना है? s1 निकालना है। सो एक काम करो यहाँ से s2 निकालो, s2 विल बी s1 कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m और ये वाला s2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो s1 कॉमन आ गया, वन प्लस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम दैट इज इक्वल टू एल, सो सेम इक्वेशन आ गया, एस वन इज इक्वल टू स्मॉल एम एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। फाइन, सो इस तरह से कर सकते हैं, हमने अब काफ़ी बार डिस्कस कर लिया इस तरह के प्रॉब्लम। सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन। ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।